दुनिया और उनका कहना नाज से हंसकर तुमसे बोल तो लेते हैं और हम क्या करें। जी हाँ, मरहूम शायर अकबर इलाहाबादी का ये शेर पुलिस महकमे पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आम जनता की सेवा में हर समय तत्पर पुलिस महकमे का अंदर का हाल चिंतित करने वाला है। अनुशासन में बंधे मुंह पर ताला लगाए ये खाकी वर्दी धारी गंभीर सेहत की परेशानियों से घिरे हुए हैं। इनके बारे में सोचने वाला, इनकी चिंता करने वाला शायद कोई नहीं है। हम सभी का जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से पुलिस से वास्ता पड़ता ही है। कई बार किसी घटना या दुर्घटना की वजह से या कोई और कारणों से। हम सब जानते हैं कि पुलिस हर समय कार्य करती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये पुलिसकर्मी आराम किस समय करते होंगे, इनके खाने पीने का क्या शेड्यूल रहता होगा। शायद हम कुछ नहीं जानते। हकीकत ये है कि काम के बोझ से ज्यादातर पुलिसकर्मी तमाम तरह की गंभीर बीमारियों में गिरे हुए हैं। पुलिस महकमे की सेहत की पड़ताल करती हुई ईशान टीम की एक विशेष रिपोर्ट। बिना रुके रात दिन ड्यूटी, बढ़ता हुआ काम का दबाव और उस पर पारिवारिक चिंता ने पुलिस महकमे की सेहत को बिगाड़ कर रख दिया है। हाल ये है कि पुलिसकर्मी अपनी पत्नी और बच्चों को भी बात बात पर डांटते और छिड़क देते हैं। 15 से 20 घंटे की ड्यूटी, अवकाश के नाम पर सिफर, ऊपर से कभी नेताओं का दौरा तो कभी मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान तो कभी अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस सब में उलझी हमारी पुलिस काम के बोझ से दबती जा रही है। इस बोझ से ज्यादातर पुलिसकर्मी अपने करियर के शुरुआती वर्ष में ही तमाम तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्या हम इस बात को जानते और समझते हैं कि पुलिस की इस गिरती सेहत के जिम्मेदार प्रत्यक्ष तौर पर हम भी हैं? हम जानते बूझते क्यों ऐसे कार्य करते हैं जो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्यों हम पुलिस का कीमती समय बर्बाद करते हैं? कोई नहीं जानता एक पुलिस वाले की जिंदगी कैसी है, जिस दबाव में पुलिस वाला काम करता है, जितना काम करता है, 24 घंटे की नौकरी, न दिन न रात, हर वक्त उसकी ज़रूरत होती है, हर किसी को उसकी ज़रूरत होती है। एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाला चाहिए, दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो पुलिस वाला चाहिए, भीड़ है, दंगा फसाद हो जाए तो पुलिस वाला चाहिए, कहीं आग लग जाए तो पुलिस वाला चाहिए। कोई वक्त नहीं पुलिस वाले के लिए, बस सिर्फ एक ही चीज़ है उसके पास, हर वक्त जनता की सेवा के लिए खड़े रहना। पुलिस वाले तो खाकी वर्दी पहने हुए वो सेवक हैं जो कभी भी बुलाए जा सकते हैं, कभी भी जिनको पुकारा जा सकता है, और अगर वो नहीं आए तो सवाल उठ जाते हैं, भाई पुलिस वाले को बुलाया था, वो तो आया ही नहीं, क्यों? पुलिस वाला इंसान है, कोई रहस्यमय जादूगर तो नहीं कि जैसे ही याद किया फौरन आ जाए। कहीं फंसा हो सकता है, किसी की ड्यूटी में हो सकता है, वो अगर डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने गया हो और उस बीच में आपको ज़रूरत आ गई तो आप क्या कहेंगे? मैं गया था, वो तो मिला ही नहीं। सरहद पे फौजी होता है, उसको हर कोई सलाम करता है, सरकार भी सलाम करती है, लेकिन 24 घंटे की नौकरी करने वाला पुलिस वाला, उसे कितने लोग सलाम करते हैं? कब जनता उनके लिए ताली बजाती है, कब जनता ये सोचती है कि हाय ये भी इतना लंबा काम करने वाला, दिन रात न थकने वाला, कभी इसको भी धन्यवाद दे दें? नहीं, वो धन्यवाद का शब्द जनता के मुंह से नहीं निकलता, जबकि सच्चाई यह है कि फौजी अगर सीमा पर सुरक्षा दे रहा है तो पुलिस वाला देश के अंदर सब लोगों को सुरक्षा दे रहा है। दिल की बीमारियां, पेट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिगर की बीमारियां जैसी घातक बीमारियों का शिकार ये पुलिस महकमा केवल इसलिए हो रहा है कि पुलिस कर्मियों को आराम नहीं मिल पा रहा। तमाम तरह की चिंताएं उनको खा रही हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता से लेकर बच्चों की शिक्षा तक की चिंता इन पुलिस कर्मियों को खोखला बना रही है। ये अपना दुखड़ा किससे कहें? अनुशासन से बंधे पुलिसकर्मी जुबान पर ताला लगाए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि तमाम तरह की गंभीर बीमारियों ने उनको जकड़ लिया है। बेसिकली आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये डे टू डे लाइफ में दे आर कमिंग विद अर्लियर एज विद लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, कार्डियक कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर एंड लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज। बेसिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है इनको यंगर एज में, ये लाइकली इनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से काफी रिलेटेड है। देयर वर्किंग आवर्स, देयर ब्लड प्रेशर,
तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल पॉपुलेशन में लेटर एज में होती है, ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स में ऑलमोस्ट डिकेड, दैट मींस 10 साल पहले पाई जाती है। ये यंगर एज में हाइपरटेंसिव होते हैं, ये यंगर एज में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। बेसिकली इन सब का बेसिक कारण ये है कि इनका प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर मेंटल एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। तो बेसिकली मैं बस बेसिकली यही एडवाइस करूंगा कि अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि अपनी नॉर्मल लाइफ थोड़ा सा रूटीन बना के रखें, अपना खाना पीना टाइम पे लें, अपने योगा एक्सरसाइज ये प्रॉपर रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें। क्योंकि देखिए बेसिकली ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है तो ये एकदम से डायग्नोज नहीं होता, ये ओवर अ टाइम जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तब आपको इन सब चीज़ें पता लगती हैं, और जब पता लगती हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक आपको लॉट ऑफ मेडिकेशन लेनी पड़ती हैं। अगर इसको आप पहले ही डायग्नोज कर लेंगे, पहले ही पकड़ लेंगे, तो आपको मेडिसिन से बच सकते हैं, और बेटर ये आस्पेक्ट आपका रहेगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने डाइटरी मैनेजमेंट से, अपने स्लीप प्रॉपर लेंगे, तो उससे भी काफी फायदा होता है। सवाल ये है कि 24 घंटे ड्यूटी करते पुलिस कर्मियों के लिए हम कब सोचना शुरू करेंगे? साहब ये भी हम ही लोगों के बीच से निकले हुए एक आम इंसान है। अनुशासन को केवल पुलिस और फौज के लिए ही अनिवार्य मानने का जो ख्याल हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, उसको हमें दूर करना होगा। हमें स्वयं अनुशासित बनना होगा। क्यों हम बिना पेपर के मोटरसाइकिल कार लेकर बाहर निकल जाते हैं और चेकिंग होने पर जब पकड़े जाते हैं तो कोसते पुलिस को हैं? क्यों हम अपने आवासीय और व्यवसायिक परिसरों में अतिक्रमण करते हैं? पुलिस जब अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाती है तो हम पुलिस से ही उलझ जाते हैं। हम कब अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचेंगे? कब हम अनुशासित होंगे? क्यों इन सारे बेकार के कार्यों में पुलिस बल का कीमती समय बर्बाद होता है? क्या इन सारे अभियानों और बेकार के कार्यों में ही पुलिस उलझ कर रह जाएगी? पुलिस दिन रात काम करती है, 12-12 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं लोगों के, बिना वजह में मोटरसाइकिलों पे घूमना, स्टंट करना, उल्टा सीधा चलाना, खुद भी चोट खाते हैं दूसरों को भी चोट मारते हैं, हमारे इन नौजवानों को उसको अवॉइड करना चाहिए। और ख़ास तौर से किसी के ऊपर कोई झूठा केस ना लगाए, जो आजकल एक चलन में है, क्योंकि इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ पे बेगैरती और बेहयाई अपनी अपने शबाब पर है, लोग अपनी बहन बेटियों तक से, अपनी बीवियों तक से लोगों पर इल्ज़ाम लगवा देते हैं, ये चीज़ अब बंद होनी चाहिए। उससे पुलिस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, पुलिस को मालूम है कि ये झूठा केस है, लेकिन मजबूरी है, उसे FIR करनी है कानून के हिसाब से, लेकिन उसे करनी पड़ती है। हर जगह काम आते हैं, दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अधिकारी और जो पुलिस वाले इंसाफ करते हैं उनको जनता बहुत लाइक करती है, और वो जनता के हीरो होते हैं। हमें समझना होगा कि विदेशों में पुलिस सार्वजनिक तौर पर कभी भी नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ के लोग अनुशासन के महत्व को जानते हैं और नियम कानून को मानना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। पुलिस वहाँ तमाम तरह के रचनात्मक कार्य करती है। आवश्यकता पड़ने पर बुजुर्गों को घर पर खाना पहुँचाने से लेकर बच्चों को स्कूल पहुँचाने तक का कार्य विदेशों में पुलिस खुशी खुशी करती है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास इन सब कार्यों के लिए पर्याप्त समय होता है। वहाँ के पुलिसकर्मी हमारे पुलिसकर्मियों की अपेक्षा 100% स्वस्थ और तनाव मुक्त होते हैं, क्योंकि वहाँ की पुलिस को लेकर आम जनता संवेदनशील होती है। यक्ष प्रश्न ये है कि हम लोग कब अपनी पुलिस के प्रति संवेदनशील होंगे और समझेंगे कि ये भी हम सब लोगों के बीच से निकले हुए हमारे ही परिजन हैं, इनका ध्यान भी हमें ही रखना है। होली दिवाली हम घर पे नहीं बनाते, ईद बैसाखी हम सड़कों पे बिताते, परिवार की याद सताती जज्बात छुपाते, देश की सेवा में पूरी जिंदगी बिताते। मैं पुलिस वाला हूँ, सोचता देश का भला हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ।